तो मैं बच्चों को कह रहा था कि बहुत हिंदी बहुत अच्छी बात है।
करते थे और आज आप 5 मिनट के लिए बच्चों के साथ हिंदी में वार्तालाप कर रहे हैं, इसके बाद बच्चे आपसे कुछ सवाल पूछे। 5 मिनट में, 1-5 मिनट में, 3-5 मिनट्स, क्योंकि इस ये जो ऑनलाइन सेशन होता है 20 मिनट का होता है कंप्लीटली, तो इसमें हम 5-5 मिनट में बच्चों को कुछ वैल्यूज देना चाहते हैं, वो चाहे साइंटिफिक वैल्यू रहे या एथिकल वैल्यू रहे, वो हम देना चाहते हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप 5 मिनट के लिए बच्चों को हमारे यहाँ इधर मार्गे सर बैठे, मार्गे सर नमस्कार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, और वे है जी इंग्लिश सर, इंग्लिश सर, हाँ सर बैठे हैं, बोले बहुत बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, इंग्लिश में उनके एकदम प्रॉपर तैयार हो गए हैं ग्लोबल क्लास होने के लिए, और मैं आपसे विनती करता हूँ कि 5 मिनट में एक अच्छा सा एक वर्ड लीजिए। नमस्ते नमस्ते, आप सबका आज इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आपको हिंदी आती है बच्चों? Yes. मैं आपको हिंदी और संस्कृत सिखाऊंगी और आप मुझे मराठी सिखाऊंगी। तो मैं इस समय राष्ट्रपति की राजधानी दे रहा उनसे बात कर रही हूँ आप लोगों से, और यहाँ बहुत सर तुम्हें से म्यूट करा, म्यूट करा, आवाज म्यूट करा, तुम सब बात कर रही हूँ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, एक सुंदर सा शहर है, वहां से बात कर रही हूँ आप लोगों से। धन्यवाद मैडम, आप सब लोगों को स्कूल आना अच्छा लगता है? तो आज हम अपना सेशन का आरंभ क्या एक संस्कृत श्लोक से कर सकते हैं ना? ठीक है, मैं बोलती हूँ। सरस्वती नमस्तु वरदे कामरूपिणी, सर्वारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मैं चाहती हूँ कि मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ, एक बार फिर मैं लाइन बोलूंगी, आप कोई भी वो स्क्रीन शेयर में दिखता है तो आप उसको देख के उसका उच्चारण कर सकते हैं इस श्लोक को, ठीक है? ओके लेकिन इसमें स्क्रीन शेयर में दिक्कत आएगी ना? नहीं नहीं चलो चलो कोई प्रॉब्लम चलो ही। ओके आपको दिखाई देता है मैम? हाँ मुझे दिखाई देता है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलिए बोलिए। हाँ संतोष जी बताइए। मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रही हूँ उसमें, लेकिन ये अभी तो मैं उससे हैंगआउट से कर दी ना, तो इसमें मुझे उसका आइकन नजर नहीं आ रहा। ठीक है मैं बाद में बताऊंगा, आप एक्सप्लेन कीजिए। ओके एक बात तीन मिनट में उसे एक्सप्लेन कीजिए, बाद में बच्चे एक एक बार हम फिर से बोलेंगे। सरस्वती नमस्तुभ्यम, सरस्वती नमस्तुभ्यम, वरदे वरदे रूपिणी रूपिणी काम रूपिणी काम रूपिणी, वेरी गुड। विद्यारम्भम विद्यारम्भम करिष्यामि करिष्यामि सिद्धिर् भवतु मे सदा, सिद्धिर् भवतु मे सदा। सरस्वती
माँ को कहा गया है इस श्लोक में कि हे वर देने वाली, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली सरस्वती देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं। नमस्तुभ्यम, आपको प्रणाम करते हैं। मैं अपना विद्या अध्ययन आरंभ कर रहा हूँ, इसमें मुझे हमेशा सफलता मिले, ये उनका भावार्थ है ना। बिना ज्ञान के हमारे जी, आप बताइए। ठीक है, हेलो, बोले बोले ना। हाँ हमारे जीवन में ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है ना। क्यों महत्वपूर्ण है, कोई बता सकता है? नॉलेज क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए? ज्ञान ज्ञान मत बोलना है कागज जैसा श्वेत संबंधन जल बने पूरी। हां बोल 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 हम जब नौकरी को नौकरी ढूंढने जाते हैं, हमारा जब स्कूल सीखना पूरा हो जाता है, हम जब नौकरी करने जाते हैं तो हमें ना नॉलेज की बहुत जरूरत होती है, ज्ञान की बहुत जरूरत होती है। बहुत बहुत बढ़िया। जीवन में कुछ पाने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात। और कोई बताना चाहता है? साधना जी, एक क्वेश्चन है, उसको बाद में करेंगे। आप एक दो से तीन मिनट तक बच्चों को लगातार कुछ अच्छे चीजों के ऊपर बात कीजिए, क्योंकि वो ग्रैप कर पाए। तो ठीक है, हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो नॉलेज का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो हमारे जीवन में हर दिन चलता है बच्चों, है ना? जी, जी, और ज्ञान ज्ञान हमारे जीवन में सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। ज्ञान हमारे अंदर के जो दोष है उनको हटाता है। जैसे हमारे दोष क्या, हमारे अंदर का दोष क्या है? ईर्ष्या है। हमारे अंदर का दोष क्या है? हिंसा है। हमारे अंदर का दोष क्या है? निंदा करना है। हमारे अंदर का दोष क्या है? चुगली करना है, है ना, एक दूसरे की बुराई करना है, जिसमें हम अपनी एनर्जी को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। लेकिन यदि हमारे पास ज्ञान है, नॉलेज है, तो हम इन चीजों में न फंस के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। और जब तक हमारे पास अपना लक्ष्य नहीं है तो हमारा जीवन क्या है? बिना लक्ष्य के कुछ भी नहीं है ना, है ना? आप सब इतने सुंदर हैं, किसी न किसी विशेष लक्ष्य से इस संसार में हम आए हैं, है ना? आपके माता पिताजी कितने परिश्रम से आपको स्कूल में भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, है ना? उनके भी कुछ स्वप्न है और आपके भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ स्वप्न है। हर एक बच्चा, हर एक बालिका और बालक जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहता है ना। आपकी भी कुछ भावनाएं हैं, आपके भी कुछ विचार हैं, आप भी चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ करें कि हमारे माता पिता जी को भी नाम हो, हमारे गुरुजनों का भी नाम हो, हमारे राज्य का भी नाम हो, और राज्य का नाम होगा तो देश का भी नाम होगा। तो आप अपने स्वप्न, हर एक बच्चा देखो एक स्वप्न देखे अपना, आज से ही अपना एक स्वप्न देखे, रात दिन उस स्वप्न को देखे। स्वप्न को देखने के बाद ये सोचे कि मुझे अब क्या करना है, अपनी प्लानिंग आपको खुद ही तय करनी है। आपके गुरुजन, आपके माता पिता उसमें हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना आप ही सोचना है कि मुझे क्या क्या करना है, कितने बजे उठना है, कब पढ़ाई करनी है, कब खेलना है ना। हाँ जी, जी। ये प्लान करके आप सबको आगे बढ़ना है। और बीच बीच में हम बहुत सारी बातों को लेके आपके बीच में आएंगे, कभी कोई कहानी लेके, कभी कोई सुंदर सा श्लोक लेके, और मैं छोटे छोटे काम भी दूंगी आपको करने के लिए। हम सब लोग मिलके क्या करेंगे, कुछ अच्छा सा बेहतर करेंगे, ठीक है? साधना जी, ये बच्चे जो है, इनका एक खासियत है कि जो इनके स्कूल में एक प्रयोग चलता है कि क्वेश्चन बॉक्स, एक क्वेश्चन बॉक्स एक इनका प्रयोग चलता है।
और ये बच्चे क्या कहते हैं कि उनके मन में जो सवाल उठे हाँ। वो सवाल को एक सर ने एक बॉक्स बनाया है वो भी सवाल रहे वो मन में उठने के बाद किसी को भी पूछना नहीं है लिखना है और जाके उस बॉक्स में हाथ लेना है और वो सर क्या करते हैं वो आके उसे उठाते हैं और सवाल का जवाब देते हैं या ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं तो हमने ये बता कि इसका ऑनलाइन में प्रयोग करा था तो अच्छा लगा तो वो बॉक्स है हां बोल समझी क्या उस प्रयोग के बारे में बताएंगे जो सवालों के प्रयोग और हम उसका एक छोटा सा एक निर्देश करेंगे हम सबको देखिए साधना जी के बारे में मैं बता रहा हूँ साधना जी थोड़ा सा आप लैपटॉप से थोड़ा यू कर दीजिए नीचे कर दीजिए हाँ बस आप ऐसे ही बैठिए ज्यादा आगे आ गए तो थोड़ा ये जाता है अभी उत्तराखंड बोला
सर तुमचे जवळ घे सर ये बघा हा बाकी जण तयार करून द्या पटकन फास्ट प्रश्न घ्या बघा पटकन मैडम आवाज आया हेलो हाँ जी मैम हेलो हलतो शिक्षण पद्धतीच्या मैं इतना सातवीं में पढ़ती हूँ। मेरा फ्रेश माइंड है कि
हिमालय में ही ज्यादा बर्फ क्यों पड़ती है? ज्यादा बर्फ क्यों पड़ती है? हमारे यहाँ क्यों नहीं पड़ती? हमारे यहाँ क्यों नहीं? हमारे यहाँ हमारे हमारे यहाँ क्यों नहीं पड़ता बर्फ? हाँ क्या हो क्या हो क्या हो? हमारे यहाँ क्यों नहीं पड़ता बर्फ? वाह 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 क्या सवाल है! इकडे तुझं तुझं काय सांगणार नाही का ते तुमचं जीवन शास्त्रज्ञ व्हायला आवडेल आपका जीवनमान कैसा रहता है वहाँ? जरा बताओ जीवनमान के बारे में, आपके यहाँ का जीवन, आपके यहाँ के जीवनमान के बारे में। मैडम नमस्ते, मेरा नाम वैष्णवी कुमार है। मैं सावी में सीखती हूँ। अब मेरा प्रश्न जो है, आपका वहाँ जीवन कैसे चलता है? इतने बड़े बर्फ से हमारे गुरुजी बोलते हैं आपके यहाँ 4 महीने ही सिर्फ ठंड रहती है, तो आप पूरी तरह से स्कूल में आने के लिए देर करते हैं, तब हिमालय पर्वत में कैसा होगा? हमें हमें जरा से बताइए। जरूर वैष्णवी, जरूर। अभी वैष्णवी का भी जवाब तो यह बात में हमारे यहाँ सैटरडे के दिन सुबह स्कूल होती है 7 से 11 बजे तक। वो बोलते हैं कि सुबह सुबह ज्यादा ठंड होती है। हाँ। तो आपका हमारे यहाँ इतना ठंड कम होते हुए भी हम जल्दी स्कूल में नहीं आते बच्चे लोग, तो आपके यहाँ ठंड होते तो आपके क्या, आपकी आपके इधर हिमालय में तो क्या होगा, ज्यादा ठंड होगा ना? तो आपका जीवन मन कैसा है? मैं समझ गई वैष्णवी। वैष्णवी बेटा आपका स्वागत है, और आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत सुंदर प्रश्न है। और तो हमारा जो पूरा उत्तराखंड है, वैष्णवी जो हमारा जो उत्तराखंड है वो बेसिकली एक पर्वतीय भाग और एक मैदानी भाग, प्लेन और पर्वतीय भाग में विभक्त है, ठीक है? जो हमारा पहाड़ी एरिया है उसमें भी जो ऊंचे पहाड़ी ऊंचे वाले स्तर के एरिया है वहाँ हमारे बर्फ पड़ती है। तो वहाँ जब छुट्टी हो जाती है, 1 महीने की छुट्टी हो जाती है, और जब आपकी गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती है ना जून में, तो उस समय उनको 8 या 10 दिन की छुट्टियाँ मिलती है, उनका स्कूल होता है, ठीक है? और हाँ, और बर्फ बर्फ गिरती है स्कूल के आस पास में, बर्फ गिरती है, उनके धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाते हैं, ठीक है? और उनका टाइमिंग थोड़ा लेट से स्टार्ट होता है, 9 बजे के आस पास उनका स्कूल शुरू होता है, 8:30 से 9 के बीच में उनका स्कूल शुरू होता है। बहुत अच्छे साधना जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जवाब के लिए।